विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर हुई बैठक की तो एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तो विधानसभा सत्र को लेकर ये एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है मॉनसून सत्र को लेकर। स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, मॉनसून सत्र को लेकर अब तैयारियां चल रही हैं और इसी को लेकर ये बैठक। जी हाँ, बैठक अभी अभी संपन्न हुई है और इसमें कौन कौन लोग मौजूद थे आपने पहले बताया है। स्पीकर के अलावा संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अलावा जितने भी विभागीय सचिव थे, करीब करीब तमाम विभागों के, इसके अलावा रांची के डीसी और एसएसपी, तमाम विभागों के प्रमुख, जैसे बिजली विभाग के प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिविल सर्जन रांची, जैसे जो कोरम होता है वो ये है कि सदन आहूत होने से पहले सदन चले तो वो जो पूरा का पूरा टेन्योर होता है सदन का वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षा की दृष्टि से, ट्रैफिक की दृष्टि से, बिजली आपूर्ति की दृष्टि से, तो ये इसके लिए एक बैठक बुलाई जाती है। उस तरह से यही शुरुआत होती है पूरी पूरी गतिविधियों की। फिर इसके अलावा फिर और भी बैठक, इंटरनल बैठकें होंगी 3 तारीख को जब सत्र शुरू होगा। उससे पहले जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि डबल वो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो अगर होगा किसी के पास तो उसको एंट्री मिल जाएगी। और इसके अलावा जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी अनिवार्य है, जिसके लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सत्र जो है ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के आसपास, 6 दिन के आसपास ये चलेगा और उसके लिए सारी तैयारियां संपन्न की जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक जिसमें स्पीकर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई।